अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। इस सबक में हम जिद पर काम करेंगे। बताइए बच्चों, जिद किसे कहते हैं? जी हाँ, अपजिद। बताइए छोटा की जिद क्या है? बड़ा। जी हाँ, छोटा की जिद बड़ा है। जिद के लिए कौन सा निशान इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, ये जिद का निशान है। अब हम और लफ्जों की जिद सीखेंगे। रात की जिद है दिन, सुबह की जिद है शाम, अच्छा बुरा, बीमार तंदुरुस्त, खुश नाखुश, खुशी गम, नेक बद, पसंद नापसंद, दूर पास, इंसान जानवर। फिर से इन लफ्जों की जिद पढ़ेंगे। रात दिन, सुबह शाम, अच्छा बुरा, बीमार तंदुरुस्त, खुश नाखुश, खुशी गम, नेक बद, पसंद नापसंद, दूर पास, इंसान जानवर। आइए बच्चों, तस्वीरों के जरिए हम चंद लफ्जों की जिद सीखते हैं। रात दिन, सुबह शाम, बीमार तंदुरुस्त, खुश ना खुश, पसंद ना पसंद। पास दूर, अब उस्तानी आपको जिद पर एक काम देंगी। कॉलम अलीफ में चंद अल्फाज दिए गए हैं, कॉलम बे में लफ्जों की जिद दी गई है। आप कॉलम अलीफ के लफ्जों को कॉलम बे की मुनासिब जिद से मिलाइए। तो बताइए, पहला लफ्ज है खुशी। खुशी की जिद है गम। बीमार, बीमार की जिद है तंदुरुस्त। जी हाँ, पसंद, ये आसान है, पसंद ना पसंद। दूर पास, पास के लिए हम करीब भी लिख सकते हैं। अच्छा की जिद है बुरा। जी हाँ, अब आइए और लफ्जों की जिद सीखते हैं। छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, कमजोर ताकतवर, जिंदगी मौत, फायदा नुकसान, खट्टा मीठा, बहुत कम, कामयाब नाकाम,
सर्दी गर्मी से पहले के बाद। अब ये देखिए छोटा की जिद बड़ा, बताइए छोटे की जिद क्या होगी? क्या हम कहेंगे छोटे की जिद है बड़ा? नहीं, हम क्या कहेंगे? छोटे की जिद है बड़े, और इसी तरह छोटी की जिद होगी बड़ी। हम फिर से पढ़ते हैं, छोटा बड़ा, छोटे बड़े, छोटी बड़ी। मसलन छोटा लड़का बड़ा लड़का, छोटा कुत्ता बड़ा कुत्ता, छोटा पत्ता बड़ा पत्ता। इसी तरह छोटी की जिद होगी बड़ी, जैसे छोटी लड़की बड़ी लड़की, छोटी अलमारी बड़ी अलमारी, छोटी खिड़की बड़ी खिड़की। छोटे के साथ जिद ऐसी होगी, छोटे लड़के बड़े लड़के, छोटे बस्ते बड़े बस्ते, छोटे कारखाने बड़े कारखाने। याद रखिए बच्चों, चंद और लफ्जों की जिद देखते हैं। खुशबू बदबू, खूबसूरत बदसूरत, दुआ बददुआ, सजा जजा, बचपन बुढ़ापा, जन्नत जहन्नम, ईमानदार बेईमान, ईमानदारी बेईमानी, साफ गंदा, सफाई गंदगी, अमीर गरीब, अमीरी गरीबी। गौर कीजिए बच्चों, अमीर की जिद है गरीब और अमीरी की जिद है गरीबी। आइए बच्चों, चंद और लफ्जों की जिद तस्वीरों के जरिए सीखते हैं। बूढ़ा जवान, कमजोर ताकतवर, खट्टा मीठा, बहुत कम, सर्दी गर्मी, खुशबू बदबू, सजा जजा, साफ गंदा, पहला की जिद है पिछला। तो बताइए पहले की जिद क्या होगी? जी हाँ, पहले पिछले। इसी तरह पहली की जिद है पिछली। अब ये देखिए, शेर कमजोर है, ये एक जुमला है। कमजोर की जिद क्या है बच्चों? बहादुर, बहुत खूब। तो हमारा जुमला क्या होगा? शेर बहादुर है। अब शेर की कमजोरी दुनिया भर में
मशहूर है। इस जुमले में लफ्ज है कमजोरी। अगर कमजोरी की जिद लिखना है तो जुमला क्या होगा? शेर की बहादुर दुनिया भर में मशहूर है। नहीं, यहाँ जुमले में कमजोरी है, तो कमजोरी की जिद है बहादुरी। तो हमारा जुमला होगा, शेर की बहादुरी दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है बच्चों, एक और जुमला देखते हैं। कपड़ा साफ है। यहाँ अगर साफ की जिद लिखना है तो हमारा जुमला क्या होगा? कपड़ा गंदा है। लेकिन अगर कपड़ा की जगह कपड़े हो तो हमारा जुमला क्या होगा? कपड़े गंदा है। जी नहीं, कपड़े यहाँ चूंकि जमा में है तो गंदा के बजाय हम कहेंगे गंदे। गौर कीजिए बच्चों, चूंकि कपड़े जमा में है तो है भी जमा में लिखेंगे। सही जुमला ऐसा होगा, कपड़े गंदे हैं। एक और जुमला देखते हैं, असलम अच्छा है। तो यहाँ अच्छा की जिद होगी बुरा। असलम अच्छा है, जिद में जुमला होगा असलम बुरा है। अगर जुमला ऐसा हो, फरीदा अच्छी है, तो बताइए बच्चों जुमले में अच्छी की जिद क्या होगी? बुरी। तो जुमला होगा फरीदा बुरी है। बद की जिद है नेक। बताइए बदी की जिद क्या होगी? जी हाँ, नेकी। बदी नेकी। बीमार की जिद है तंदुरुस्त। बताइए बीमारी की जिद क्या होगी? तंदुरुस्ती। जी हाँ, बीमार तंदुरुस्त, बीमारी तंदुरुस्ती, याद रखना बच्चों। इसी तरह कमजोर बहादुर, कमजोरी बहादुरी। अमीर गरीब, अमीरी गरीबी। चंद और लफ्जों की जिद सीखते हैं। खूबसूरत बदसूरत, नया पुराना, लंबा छोटा, सही गलत, आगे पीछे, बाहर अंदर, ऊपर नीचे, अंधेरा उजाला, बंद करना खोलना। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने लफ्जों की जिद सीखी। आप लफ्जों की जिद को याद रखिए। अब उस्तानी शरीना को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।